नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मिंग राठौर चैनल पर आपका स्वागत है। तो गन्ना बुआई का जो कार्यक्रम चलने जा रहा है उसके लिए काफ़ी खासी तैयारी हमारे यहाँ पे चल रही है। अभी हम वर्मी कंपोस्ट इकाई से अपना हमने वर्मी कंपोस्ट खाद निकाला, केंचवा खाद जो है। मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा नज़दीक को थोड़ा जूम में कर लो एक बार। खाद बिल्कुल ऐसा बढ़ रहा है जैसे कि चाय की पत्ती, बिल्कुल एकदम खिलवा। इधर ढेर लगा हुआ है, उधर मेरी उस साइड में सोच दो वर्मी कंपोस्ट इकाई थी उस साइड में। अभी मैं आपको और दिखा दूँ है क्या चीज़ ये। ये 40 से 45 दिन के अंदर बढ़ रहा, थोड़ा जूम में करके दिखाओ एक बार। मैं कैंचवा और दिखा दूँ, देखो दोस्तों। अरे कहाँ भाग गए, ये रहे दोस्तों, ये रहा कैंचवा। थोड़ा जूम कर लेंगे, ये है जिनका कैंचवा, देखो ये ऑस्ट्रेलियन वैरायटी यहाँ पे है। और जहाँ से भी मैं खोदता हूँ ना, अभी थोड़ा अंदर जा रहे हैं तो अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। ये रहा देखो, देखो बहुत बढ़िया है। इसे इसने डीकम्पोज कर दिया, देखो ताज़ा गोबर तो गिर नहीं सकती, जैसे बनाने के लिए मैंने तैयारी की थी। और 5-4 दिन ठंडा करके पानी वगैरह गिर के उसके बाद में पाउंड मारता है। थोड़ा सा खाद मैं हर बार छोड़ देता हूँ पाउंड के अंदर ही, ताकि ये अपने आप खुद उसकी दूसरी तरफ गोबर की तरफ मूव कर, जब कंफर्टेबल टेम्परेचर के लिए बने तब उस तरफ ये कूच कर जाए। और अभी मेरी जो तैयारी है, अभी मैं और दिखा दूँ यहाँ पे। अभी वैसे यहाँ से थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। अभी जो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ और कैच में निकाल निकाल यहाँ पे डाल रहा हूँ और छाट के जब लेके जा रहा हूँ मैं, इसमें कैंचवे भरे पड़े हैं जी। कैंचवे बहुत छोटे हैं, सर्दियों में देखो वातावरण इनके लिए कंफर्टेबल था नहीं, तो साइज वगैरह नहीं बन पाया। जब इनका सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होगा इसके लिए, तो साइज वगैरह नहीं बना। अभी गर्मी के दिन आगे इनके लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर अभी बनता आ रहा है, अब आगे इनका साइज बन जाएगा निश्चित तौर पर। अब खाद में आपको दिखाई दिया, बिल्कुल ऐसा है जी जैसे चाय की पत्ती। फैलाने में बहुत आराम हो जाएगा, कैंचवा बचाना पड़ रहा है इससे, ताकि मैं अच्छा खासा गोबर डालने के बाद भी इससे खाद वगैरह मैं अच्छा सा बना सकूं। और दोस्तों मैंने जो और जो खाद वगैरह बनाए हैं सब टोटल इसमें मिला के मैं तब डालूँगा खुद के अंदर। अभी मैं आपको और दिखा दूँ, ये मेरी वर्मी कंपोस्ट इकाई यहाँ पे है जो मैंने स्थापित करी हुई। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये 7x3 का है, 1 फुट इसकी ऊँचाई है। यहाँ पर मेरा कैंचवा पड़ा हुआ है, तो दोस्तों थोड़ा जूम में करके मैं दिखा दूँ। अभी ये मैंने खोदा नहीं है, अभी थोड़ा सा निकाल लिया, थोड़ा सा बचा हुआ है, पर मैं आपको कैंचवा ज़रूर दिखा दूँगा। यहाँ पे देखो दोस्तों कितनी तेज़ी से भगे रहे हैं, जहाँ पे नमी ज़्यादा होगी वहाँ पे कैंचवा भी बहुत ज़्यादा होगा। देखो दोस्तों ये देखो, ये रहा, देखो दोस्तों कैंचवा आपने देख ही लिया। 45 दिन के अंदर ये इसको ऐसा बना देती है, बस खाली आपने एक बार पलटा इसको देना पड़ता है हाथ से, ताकि जो है जहाँ पे ये पहुँच नहीं पा रहा, ये गोबर वगैरह जो नीचे की तरफ ढीम सा बैठ जाता है, वो एक बार उल्टा पलटा दोगे तो खुल जाता है वहाँ से, फिर फोक्का हो जाता है। और फिर जो कच्चा वगैरह गोबर भी है उसमें फिर ये घूमने लगते हैं, नीचे का खाद ऊपर, ऊपर का खाद नीचे पहुँच जाता है, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपने मिलता है। और आपको बताना चम्मा, इसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं आपके जो कंपोस्ट खाद में, जो गोबर की खाद आप गिरते हो कूड़ी वगैरह से निकालते हो, उससे उस इसमें परसेंटेज पोषक तत्व कहीं ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि इसी छायादार स्थान पर आप रखते हो उसको, तो इसका बेनिफिट आपने मिलता है। आपको शुष्क खाद का बिल्कुल भी नहीं मिलता, हल्का सा गिल्लापन रहता है, नमी बनाए रखनी पड़ती है, तो पोषक तत्व का इसमें ह्रास नहीं होता है, ह्रास किसी तरह का नहीं होता है, ये रुके रहते हैं वहीं पे। हम आपको दिखाना चाहूँ, इसमें ताज़े सब्जियों के छुल्लक वगैरह डाल दिए थे, इसे भी डिकम्पोज किया, थोड़ा सा इसका टेस्ट वगैरह भी थोड़ा चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, अब किसी में कोई पोषक तत्व, किसी सब्जी में कोई पोषक तत्व है, तो सभी का मिक्सचर इसमें आप आता है। यहाँ पे आप पत्ती वगैरह इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, सूती कपड़ा किसी तरह का आपको लग रहा है जो चीज़ डिकम्पोज हो सकती है उसको तुरंत ये कर देते हैं डिकम्पोज। बट ध्यान आपने एक ही रखना है, आपको यहाँ पे किसी भी केमिकल से इसको दूर रखना है, किसी भी केमिकल
कोई खेत की दवाई वगैरह कोई इस तरह की कोई चीज़ है तो वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए इसमें, नहीं तो ये मर जाएगा जी सूंघते ही। तो अभी जो है जो टोटल मटेरियल खेतों में मैं डाल दूँगा, जितना भी फर्टिलाइजर वगैरह या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो भी डालूँगा टोटल इसमें एब्जॉर्ब कर लूँगा। एब्जॉर्ब करने का बेनिफिट मेरे को ये होगा तो इसका झड़पन जो है ना, झड़ जिसे बोलते हैं झड़, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर गन्ने की आँख वगैरह के भी नज़दीक रहेगा तो डिस्टर्ब नहीं करेगा, जर्मिनेशन पर फ़र्क पड़ेगा। भूमिक दोस्त इसमें बहुत ज़्यादा होता है, फास्फोरस भी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, हर चीज़ की मात्रा इसमें प्रचुर है और खेत में अलग ही बेनिफिट है। अगर जो जैविक किसान जो खेती करते हैं उनके लिए तो कुछ अलग सही है इसमें, इससे सफल हो सकते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि पोषण तो इसमें एक निश्चित अनुपात से कहीं अधिक है। तो आपने बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिलने जा रहा है। अगर आप जैविक किस खेती करना चाहते हैं तो आपको कहीं ज़्यादा बेनिफिट आपने मिलेगा। देखो दोस्तों मैं दिखा दूँ क्या साइज बन रहा है, ये देखो बिल्कुल, थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, केंच में है इसमें यहाँ पे। अब इसी में से छान छान के निकाल लूँ मैं, निकालने के बाद में तब रख रहा हूँ, इस केंचवे को बचा रहा हूँ ताकि इनका मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम बंद ना हो, इनकी बढ़ती रही आबादी यहाँ पे, और नेक्स्ट टाइम में एक बेड और बनाने की मेरी प्लान यहाँ पे है। तो दोस्तों ये थे इसके बेनिफिट आपने जो मैंने आपने बताए हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। थोड़ी सी इसे निकालने में, बनाने के लिए भी कोई विशेष का बात नहीं है, पर निकालने के टाइम पे मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रही है, निकालने के टाइम में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। बाकी इधर मैं आपको दिखा दूँ, जिस साइड से मैंने टैंक मैंने ये खाली कर दिया है, इस साइड में मैं ताज़ा गोबर डाल लूँगा, दूसरी साइड जो है उसमें थोड़ा सा खाद मैं छोड़ दूँगा, जो कि मैंने भी तसले में केंच वगैरह जो निकाला है, तो एक दो तसले खाद मैं इसको छोड़ दूँगा उसमें। तो जो केंचवा जो है इस साइड में कच्चा गोबर रहेगा, उस साइड में पक्का, वो सॉरी ये डाल दूंगा बचा हुआ अवशेष जो है, तो वो जो केंचवा अपने आप स्वतः ही इस तरफ को मूव कर जाएगा, जैसे इसका टेम्परेचर उसके अनुकूल केंचवे के अनुकूल होगा तो अपने आप ही इधर आ जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं आपको साथ ही साथ एक चीज़ और दिखाऊँ, ये मेरा जैविक गन्ना है यहाँ पे, जो मैंने सिर्फ इसके भरोसे किया है। देख सकते हैं लंबाई भी काफ़ी अच्छी ले रहा है और साइज़ भी बहुत ही प्यारा बन रहा है, एक एक बिलान की पूरी इसमें है, और जो है महड़ा भी अच्छा खासा कर रहा। अभी ट्रेलिंग फेज चल रहा है इसका, नीचे से ब्यांत वगैरह निकल कर रहा है, पर साइज़ में कहीं भी कोई कमी नहीं किसी तरह की। और एक महड़ा है, साइज़ देखिए दोस्तों आप, बड़ा प्यारा साइज़ बन के आ रहा है। और जो है एक चीज़ मैंने इसमें कुछ खास देखा था, अभी मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा। अरे कहाँ को गया भाई, कहाँ है। चलो दोस्तों कहीं कूड़ा लग गया मेरे, चलो दूसरी तरफ दिखा देता हूँ, पर आपको मैं पक्का इस साइड में जो है, हाँ ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये गन्ने की आँख यहाँ से फूटी हुई है। चलो इस साइड से दिखाता हूँ, ये गन्ने की आँख फूटी हुई है, यहाँ पे जर्मिनेशन इसमें हो गया, एक आँख एक्स्ट्रा निकल गई इस गन्ने के अंदर, ये आँख एक्स्ट्रा निकल के आई है, और दूसरी साइड भी इसमें आँख है। अब मेरे को नहीं पता ये हुआ क्या क्या नहीं है, तो है दो चार दिन यहाँ से, और अभी मैंने रोकने के लिए शायद बांधना मेरे को पड़ रहा है। देखो एक आँख तो दोस्तों ये रही इस गन्ने में, और एक आँख ये रही इस तरफ, तीन चार जगह गन्ने में हो रहा है ये, मेरे को पता नहीं कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, पर बड़ा बढ़िया लगा गन्ना, बड़ा प्यारा लग रहा है। मैंने एक दिन खा के देखा, इसमें बहुत ही प्यारा मीठा बना है, इसमें बहुत ही अच्छा शानदार मीठा लगा मेरे को। तो जैविक से भी हो सकता है, ये हो सकता है कि एक वजह हो सकती है, मैंने घर पर लगाया है तो जहाँ पर आबादी वगैरह होती है, तो जहाँ पे लाइट वगैरह की व्यवस्था ज़्यादा हो तो कीट पतंगे ज़्यादा कम आते हैं उस पर, लाइट की तरफ मूव कर जाते हैं, तो ये भी वजह से। लंबाई काफ़ी अच्छी है, 10 फुट के आसपास ले गया, बाकी डाली कोई चीज़ नहीं मैंने इसमें। तो दोस्तों दोनों चीज़ मैंने आपको दिखा दी, और केंचुआ खाद भी आपने ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें जो है भैया पोषक तत्व 16, 17, 18 जितने भी हैं टोटल पोषक तत्व इसके अंदर हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी का बन के आया खाद ये। 40 से 45 दिन के अंदर इस कच्चे गोबर को पक्के खाद में, यानी कि खाद में बोलते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं इसको, और वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको कभी ना कभी आपको वर्मी वास इसके साथ साथ और बनाना चाहूँगा, और उसका बेनिफिट भी आपने जरूर बताऊँ। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य पसंद आई हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों।